नमस्कार दोस्तों, आर्यश डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, जितनी इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हमने अस्तर और कपड़े दोनों पर कट कर लिया है। तैयार लंबाई इसकी, पूरी लंबाई इसकी हमने 9.5 इंच ली है, 8.5 इंच तैयार होगी। और देखिए, यहाँ पर 3 इंच पर सिंपल स्लीव की कटिंग कर देंगे। ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए 2-2 इंच पर ये वाला निशान बनाएंगे। अब देखिए, इसको दूसरी साइड भी बना लेना है। अब अस्तर को कपड़े पर रखते हुए जहाँ से देखिए डिजाइन का नीचे तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। अब इसको देखिए कपड़े को अंदर की तरफ पलटना है। उसके बाद देखिए ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए इस तरह इसको यहाँ से जोड़ना है, सभी डिजाइनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए साथ में ही एक बटन भी लगाएंगे।
इसी तरह से देखिए सभी डिजाइनों को जोड़ते हुए एक बटन लगा लेनी है। तो देखिए हमने डिजाइन बना लिया है, सभी पर एक एक बटन लगाकर अच्छे से जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा लेंगे और उससे इस तरह से डिजाइन तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से सभी डिजाइन जितनी लगेगी उस हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह देखिए सभी डिजाइनों को बिल्कुल बराबर से इस तरह लगा दिया है। अब देखिए इन पर एक एक मोतियां लगा देनी है। तो इस तरह पूरे डिजाइन पर मोतियाँ लगा देनी है। तो अभी हमारा डिजाइन बनके तैयार है, ये स्लीव डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।